नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए अब देखते हैं ताबड़तोड़ 50। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला। पूजा पाठ मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार। वाराणसी कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। हाईकोर्ट में अपील करेगा मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी केस में कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर। बाबा भोले के लगाए जयकारे, महिलाओं ने गाया गाना। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं ने जश्न मनाया। भगवान शंकर की आरती की, बैंड बाजे के साथ किया फैसले का स्वागत। यूपी के अमेठी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। चारागाह की जमीन पर बने अवैध मदरसे को गिराया। मदरसे के मालिक पर लगाया 2,24,000 का जुर्माना। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा, देश में नफरत फैला रही है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ यात्रा करार दिया। कांग्रेस के ट्वीट पर डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा, उनके दादा दादी ने आरएसएस को रोकने की कोशिश की लेकिन आरएसएस रुका नहीं, लगातार बढ़ता रहा। केरल के नेमन से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन की शुरुआत की। सड़कों पर भारी संख्या में मौजूद समर्थक नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा पर आमने सामने कांग्रेस और सीपीएम। लेफ्ट ने यात्रा को सीट जोड़ो यात्रा कहा। कांग्रेस ने सीपीएम को बीजेपी की 18 करार दिया। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलेगा सम्मेलन। देश विदेश के एक्सपर्ट और कारोबारी इसमें शामिल हुए। वर्ल्ड डेयरी समिट में बोले पीएम मोदी, भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। आधुनिक तकनीक की मदद से पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। दिल्ली में इंडियन आर्मी लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा क्षेत्र में लॉजिस्टिक को बताया अहम। सेना प्रमुख मनोज पांडे भी रहे मौजूद। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ा। बीजेपी प्रमुख ने कहा, बीजेपी ने ही आम आदमी पार्टी को मैदान में उतारा, उसने गठबंधन नुकसान का सौदा होगा। मकबूलपुरा का वीडियो सामने आने के बाद बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, नशा मुक्त होने की जगह नशा पूर्ण हो गए, घर घर नशा पहुंचाया गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी बहन मेनका से कोलकाता के ईडी दफ्तर में पूछा जारी। बैंकॉक जाने से रोकने पर मेनका ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर लगाई रोक। 13 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। आज गोवा सरकार सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपेगी। सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी, कहा सोनाली का परिवार लगातार कर रहा था सीबीआई जांच की मांग। गैंगस्टर और आतंकियों की गठजोड़ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में 25 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली के बवाना गांव में भी गैंगस्टर नीरज बवानिया के घर पर एनआईए की छापेमारी। आसपास की सभी गलियों में भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में भी एनआईए की छापेमारी। गोल्डी बराड़ के घर पहुंची एनआईए की टीम। पंजाब के खरड़ अदालत में हुई सिद्धू मूसेवाला की पेशी। ट्रांजिट रिमांड पर बठिंडा पुलिस को सौंपा। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था मामला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी। बिट्टू को पंजाब पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। बिट्टू पर मूसेवाला के घर की रेकी का आरोप। देश से लौटते ही जबलपुर के बिशप की नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी। बिशप के घर पर छापेमारी में मिले थे करोड़ों कैश। धर्मांतरण मामले में भी चल रही है जांच। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की का अस्पताल में धर्मांतरण कर निकाह करवाने का आरोप। पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार किया। अस्पताल संचालक भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। एक आतंकवादी ढेर, एक जवान भी घायल। दिल्ली के अशोकनगर में 2 बदमाशों ने एक आदमी को बुरी तरह मारा। बुरी तरह जख्मी हुए शख्स का वीडियो वायरल। पुलिस ने वीडियो की पुष्टि की। यूपी के गाजियाबाद में हत्या के आरोपी का सरेंडर। गले में तख्ती लटकाकर पहुंचा आरोपी, कहा आगे से कोई अपराध नहीं करूंगा। नवी मुंबई में उद्धव गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। गणपति विसर्जन के दौरान दोनों के बीच झड़प। शिवसेना के 3 पूर्व नगरसेवकों समेत 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। फिरोजाबाद में जमीन विवाद में 2 परिवारों में मारपीट। भाइयों में जमकर लाठियां चली। मारपीट के दौरान 4 लोग घायल। यूपी के हरदोई में 4 लड़कियों ने प्रधान के बेटे को जमकर पीटा। लेखपाल के साथ जमीन नापने पहुंचे थे। पुलिस ने लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज किया।
यूपी के झांसी में एक कार्यक्रम में बवाल, मेले में घूमने आई लड़कियों में कहा सुनी हुई, लड़कियों के दो गुट में जमकर मारपीट हुई। यूपी के एटा में मामूली विवाद में लड़के की पिटाई, लोगों ने जमकर लात घूंसे बरसाए, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बाराबंकी में बच्चा चोरी के शक में लड़के की बेरहमी से पिटाई, गांव वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा, पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रतापगढ़ में बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई, लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की, 13 नामजद समेत 33 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सहारनपुर में व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चा चोरी की अफवाह फैली, आरोपी अयूब ने सोशल मीडिया पर झूठा वीडियो शेयर किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिहार के खगड़िया में बच्चा चोरी के शक में महिला की बेरहमी से पिटाई, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पीड़ित को छुड़ाया, पुलिस ने महिला को मानसिक तौर से विषक्त बताया। उत्तराखंड के हरिद्वार में बच्चा चोरी के शक में पिटाई, भीड़ ने जमकर लात घूंसे बरसाए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के अररिया में जागरण के दौरान लड़के ने पिस्टल लहराई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कार्यक्रम में जमकर अश्लील डांस भी हुआ। नोएडा की थप्पड़बाज महिला ने देरी से गेट खोलने पर जड़े थप्पड़, गार्ड ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के नोएडा में मच्छर मारने की दवा छिड़कने के दौरान 16 महिलाएं बेहोश, महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, 5 महिलाएं आईसीयू में भर्ती। लखनऊ में पिटबुल ने एक छात्र पर किया हमला, गोमती नगर थाने में पिटबुल के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज। यूपी के मिर्जापुर में शराब पिलाने से मना करने पर लड़के की हत्या, आरोपी ने नुकीली रॉड से हमला किया, इलाज के दौरान मौत। बिहार के सिवान में शराब सप्लाई करने वाले लड़के का वीडियो वायरल, पुलिस ने 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की, पंजाब से लाई जा रही थी शराब। महाराष्ट्र के नागपुर में कई इलाकों में भारी बारिश, कई इलाके जलमग्न हुए, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मूसलाधार बारिश, तेज बहाव की वजह से पुल का हिस्सा बहा, लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। झारखंड के हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, बस और लॉरी की टक्कर में 3 लोगों की मौत, बस में सवार 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी, पश्चिम बंगाल से बिहार जा रही थी बस। बिहार के छपरा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर से टकराई थी मोटरसाइकिल, गांव वालों ने सड़क पर ब्रेकर लगाने की मांग की। महाराष्ट्र के ठाणे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेला बैडमिंटन और टेबल टेनिस, खिलाड़ियों से बातचीत भी की। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य डिपो को तबाह करने का दावा किया, हमले में रूस के 40 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक के बाद पावर प्लांट में भीषण आग, रूस ने रात भर मिसाइल और बम बरसाए, पावर प्लांट में हमले के बाद इलाके की बिजली सप्लाई पर असर पड़ा।